नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्विफ्ट के LXi वेरिएंट को और VXi वेरिएंट को कंपेयर करने की। दोनों में तकरीबन 90,000 रुपये का फर्क है। एक्स शोरूम बात की जाए तो LXi मिलता है आपको 6 लाख एक्स शोरूम प्राइस पे और VXi मिलता है 6,90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये में एक्स्ट्रा आपको VXi में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, अंत तक जुड़े रहें, एक एक चीज़ को डिटेल में बताएंगे जिससे आपको फैसला लेने में सुविधा रहे कि कौन सा वाला वेरियंट आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन में फिट बैठता है। अगर फ्रंट की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों का जो लुक है एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट फेशिया में एक बेहतरीन क्रोम की लाइन दे रखी है जो मेन ग्रिल को आपको दो पार्ट में सेग्रीगेट करती है। उसके जस्ट ऊपर सुजुकी का एक लोगो दिया गया है। फोग लैम्प आपको दोनों वेरिएंट्स में नहीं मिलते हैं। जो हेडलैम्प का सेटअप है वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। काफ़ी बड़ा है, वो हैलोजन बल्ब के साथ मिलता है आपको और साथ में उसी हाउसिंग में इंडिकेटर के लिए बल्ब मिलेगा। देखिए दोनों वेरिएंट्स में एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। सबसे पहला फ़र्क देखने को मिलेगा आपको ORVM के ऊपर। VXi में जो ORVM है बॉडी कल के मिलते हैं और उसके ऊपर इंडिकेटर भी मिलता है आपको LED के तौर पे। वहीं LXi में आपको ब्लैकआउट मिलते हैं, मैट ब्लैक फिनिश में, और इसके ऊपर बॉडी कलर वगैरह भी नहीं किया गया है। साथ में जो टर्न इंडिकेटर हैं वो आपको फ्रंट फेंडर में मिलेंगे। दोनों गाड़ियों के जो टायर का साइज है या रिम का साइज है एग्जैक्टली सेम रहने वाला है R14 का। लेकिन वहीं बेस मॉडल में आपको स्लिप फिनिश मिलते हैं और VXi में आपको ब्लैकआउट मिलते हैं और साथ में उसके ऊपर कवर भी अप्लाई होकर मिलेगा आपको, जो कि LXi में नहीं मिलेगा। बाकी जो प्रोफाइल वगैरह है वो एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। 165/80 R14 ये दोनों गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम रहेगा। देखिए यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है 163mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है सफिशियंट है, वो दोनों गाड़ियों की एग्जैक्टली सेम रहने वाली है। अगर पीछे का रुख करते हैं तो यहाँ देखिए जो डोर ओपनिंग हैंडल है वो आपको बॉडी कलर में मिलते हैं VXi में, और LXi में आपको मैट ब्लैक फिनिश मिलेंगे यानी कि बॉडी कलर में नहीं मिलेंगे। दोनों गाड़ियों में आपको एंटीना जरूर मिलता है, माइक्रो एंटीना। अच्छी बात ये है इसकी कि LXi में भी आपको वायरिंग हुई मिलती है, तो जब भी इंफोटेनमेंट सिस्टम आप लगवाएंगे तो ज़्यादा कुछ आपको वायरिंग का खर्चा एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। पीछे के जो ग्लासेज हैं विंडस्क्रीन है वो दोनों में डिफोगर के साथ नहीं मिलती आपको, सिंपल प्लेन मिलेगी। वो जो टेल लैम्प का सेटअप है वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है दोनों वेरिएंट्स में। सी शेप का एक एलिमेंट LED के तौर पर ब्राइट अप होगा आपका। जो ब्रेक लाइट वो भी LED है। बाकी जो टर्न इंडिकेटर और रिवर्स गियर के लिए लाइट वो आपकी हेलोजन बल्ब के तौर पर मिलती है। दोनों वेरिएंट्स में आपको कैमरा नहीं मिलता है। पीछे मिलेंगे आपको 4 पार्किंग सेंसर। छोटी गाड़ी है दोस्तों, उसके हिसाब से पार्किंग सेंसर है सफिशियंट है, आसानी से आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से काम करते हैं चारों पार्किंग सेंसर। उसके बाद नेक्स्ट फर्क देखते हैं दोस्तों क्या रहेगा। इसमें जो बूट है 268 लीटर का, यहाँ से आप एक्सेस ले सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है आपको VXi में, देखिए ये वाला। पार्सल ट्रे मिलती है आपको और जो बूट का स्पेस है 268 लीटर का सफिशियंट है दोस्तों गाड़ी के साइज के हिसाब से। यहाँ वीकली ट्रिप का आपका लगेज आसानी से बैठ जाएगा। हाँ, लोडिंग लिप हाई जरूर है तो भारी सामान को निकालते समय आपको थोड़ी सी बैग के ऊपर पेन हो सकता है। ये जो सीट है पूरी फ्लैट फोल्ड होती है आपकी, 60/40 नहीं मिलती आपको VXi में भी। जो स्पेयर व्हील है एग्जैक्टली सेम प्रोफाइल का है वो, जो कि रेगुलर टायर है आपका, तो यहाँ पर भी आपका खर्चा बचा दिया है। किसी एक टायर में यदि दिक्कत आ जाती है तो आप लंबे समय तक या रेगुलर टायर के तौर पे भी स्पेयर व्हील को यूज में ला सकते हैं। इसी चीज़ को कंपेयर करें अगर LXi के साथ, तो वहाँ पर पीछे से आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं बूट को, पहले वो ओपन करना पड़ता है। वो आगे से ड्राइवर साइड जो सीट है वहाँ से टोकन मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर पुराने समय में जैसे मिलता था आपका, पुराने ज़माने की याद ताज़ा कर देता है ये। ओपन होने के बाद जो स्पेस वगैरह हुआ एग्जैक्टली सेम मिलेगा आपको, और पीछे वाली सीट इसमें भी फ्लैट फोल्ड होती है। जो कटौती है पार्सल ट्रे नहीं मिलती है आपको, एक मैंने बताया था यहाँ पर, देखिए कोई बटन नहीं मिलता आपको, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन वहाँ मिल रहा था, पार्सल ट्रे नहीं मिल रही है। और जो स्पेयर व्हील है लेकिन ये एग्जैक्टली सेम है दोस्तों, ये वही 165/80 R14 का रहने वाला है जो VXi मिल रहा था आपको। तो स्पेयर व्हील एग्जैक्टली सेम है, पीछे एक तो एक्सेस करने में आपको आगे से करना पड़ेगा, ये दूसरा पार्सल ट्रे नहीं मिलती, ये दो कमी है दोस्तों अगर बूट की बात की जाए तो। अब बात करते हैं सबसे पहले रियर स्पेस की, तो LXi की तरफ चलते हैं पहले। एक तो चीज़ आपको सबसे पहले नज़र जाएगी आपकी कि इसमें पावर विंडो नहीं मिल रही है पीछे, और सब कुछ यहाँ हार्ड प्लास्टिक मिल रहा है। एक छोटी बोतल यहाँ बैठ जाएगी, उसके लिए स्पेस दे रखा है। डोर ओपनिंग जो हैंडल है वो भी ब्लैकआउट मिलते हैं आपको।
जो सीटें हैं वो फैब्रिक की मिलती हैं और अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक इस्तेमाल किया गया है। यहाँ प्राइस ऑफ फिक्स के पॉइंट भी दे रखे हैं आपको, तो बच्चे अगर आपके साथ ट्रैवल करता है तो उसके लिए काफ़ी चीज़ है। इसका जो रिक्लाइन एंगल वो भी डिसेंट है, अच्छा स्पेस है, विड्थ अच्छी है गाड़ी की, और ये सीटें का जो कंटूरिंग वो भी शानदार की गई है। तो तीन बंदे ही पीछे बैठना चाहें नॉर्मल बिल्ट अप के तो बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। 2450 mm का आपको व्हील बेस मिलता है, उसके हिसाब से लेग स्पेस भी शानदार है दोस्तों। और अगर बात करूँ मैं अंडर थाई स्पेस की, तो 5'10" तक का बंदा पीछे अंडर थाई स्पेस की कमी नहीं महसूस करेगा। उससे बड़े यदि हाइट आपकी तो शायद थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि अंडर थाई स्पेस की कमी है। पीछे दो हेडरेस्ट मिलते हैं, दोनों फिक्स रहेंगे, ये बीच में नहीं मिलता है, ना ही कोई आर्मरेस्ट मिलता है आपको। इसी चीज़ को कंपेयर करें अगर VXI के साथ, ये दो हैंडल है एग्जैक्टली सेम है पीछे वाले डोर्स के लिए दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में, तो यहाँ पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक ही मिलता है सब कुछ। लेकिन इसमें दो चेंज देखने को मिलेंगे, एक तो पावर विंडो के स्विच आ गए हैं, दूसरा यहाँ क्रोम फिनिशिंग मिलती है आपको डोर ओपनिंग हैंडल पे। इसमें आपके व्हील कवर हैं दोस्तों, एक फोटो के माध्यम से मैं दिखा दूंगा आपको, क्योंकि अभी ये बॉक्स में पैकअप हो रखे हैं। जो फैब्रिक की क्वालिटी है वो डिसेंट है दोस्तों, दोनों ही मॉडल्स में सेम रहने वाली है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। एक बार साइड बाय साइड दोबारा दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा बहुत डिजाइन एलिमेंट का फर्क है, यहाँ पर डिजाइन अलग दिया गया है और वहाँ पर VXI में अलग दिया गया है, लेकिन फैब्रिक का है, कंफर्ट भी अच्छा देगा आपको। हाँ भाई एक बात जरूर दोस्तों, मैंने इसको जब छुआ है, इसकी थोड़ी सी जो फिनिशिंग ज़्यादा बेटर है VXI में LXI के मुकाबले, थोड़ा सा प्रीमियम फीलिंग देता है ये। यहाँ पर आपको जो मैगजीन होल्डर है वो VXI में मिलेगा, ये आपको LXI में नहीं मिलता है। ये चीज़ मैंने बताई दी आपको, क्रोम वाले हैंडल और पावर विंडो की स्विच। अब नेक्स्ट जो फ़र्क है दोस्तों, ये जो एड्रेस्ट है ये एग्जैक्टली सेम रहने वाला है, फ़र्क तो क्या है, ये सेम ही है दोनों गाड़ियों में, आपको एग्जैक्टली फिक्स वाले एड्रेस्ट मिलते हैं पीछे की तरफ। अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ ज़्यादा समय गुजरता है आपका, ड्राइवर वाली साइड पे। अब ड्राइवर वाली साइड पे देख के मुझे ऐतराज हुआ दोस्तों, इसमें फ्रंट वाली विंडो भी आपको पावर नहीं मिलती है, मैनुअली मिलती है दोस्तों। तो कॉस्ट कटिंग काफ़ी ज़्यादा की गई है LXI में अगर मैं बात करूँ तो। बाकी स्पेस वगैरह पूरा मिलता है आपको, यहाँ पर भी हार्ड प्लास्टिक ही रहेगा सब कुछ आपका। जो ड्राइवर सीट है वो सिर्फ बैकरेस्ट के लिए एडजस्टेबल है, हाइट के लिए नहीं रहने वाली है, अच्छी बात यह है। लेकिन कि बोस्टिंग अच्छी दे रखी है, थोड़ा सा बकेट फील बेहतरीन है आपको। आगे वाले जो एड्रेस है ये भी फिक्स मिलते हैं आपको LXI में, ये एडजस्टेबल नहीं है आपके। यहाँ से फ्यूल कैप को 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है आपको, और उसको एक्सेस यहाँ से कर सकते हैं, बूट ओपन भी यहीं से होता है आपको LXI में। पेडलों के बीच की स्पेसिंग ठीक है, बराबर में स्पेस है डेड पेडल के तौर पे, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अर्गोनॉमिक वाइज या यूटिलिटी स्पेस हमेशा से USP रहा है मारुति गाड़ियों का, और वो इन गाड़ियों में बिल्कुल स्टिक बैठता है, इसलिए स्विफ्ट एक ब्रांड बन चुकी है, इतनी ज़्यादा पॉपुलरिटी इस गाड़ी की। इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबिलिटी प्रोग्राम को यहाँ से बंद कर सकते हैं आप, ESP जिसे बोलते हैं, हेडलाइट को लेवल करने के लिए टॉगल दे रखा है। ये वाली चाबी मिलती है दोस्तों आपको, सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती है मैनुअली भी आपको LXI में, तो हर एक डोर को इंडिविजुअली लॉक करना पड़ता है आपको, ये जरूर ध्यान रखना है। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ स्टेयरिंग व्हील में स्पोर्ट क्या है। तो स्टेयरिंग व्हील आपका हाइट के लिए स्पोर्ट जरूर करता है, रीच के लिए नहीं करेगा, तो टिल्ट स्पोर्ट करता है, ये टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखिए, एम्बर बैकअप लाइट के साथ आता है ये, या ऑरेंज कलर की बैक लाइट बोल सकते हैं आपको। सिंपल टैकोमीटर नहीं मिलता है इसमें। नीचे जो जानकारी मिलती है, एक तो फ्यूल गेज है, एक टोटल रनिंग है, यहाँ से प्रेस करके देखते हैं, एवरेज भी शो करता है ये, देखिए डिस्टेंस टू एम्प्टी शो करता है। तो काम की जानकारी तो है दोस्तों इसमें, लेकिन हाँ थोड़ा सा बेसिक जरूर दिखाई देता है ये। यहाँ आप देख रहे हैं टर्बाइन शेप के एसी वेंट्स मिलते हैं, रेसी बड़ा शानदार काम करता है इसका। यहाँ थोड़ा थोड़ा आपको कार्बन फिनिश टाइप का एक टेक्सचर दे रखा है। दो एयरबैग मिलते हैं आपको LXI में, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, उसके लिए कटआउट रहेगा, मैनुअल एसी रहेगा। नीचे एक 12 वोल्ट का सॉकेट जरूर मिलता है, यहाँ कुछ स्पेस है, छोटा मोटा कप होल्डर भी दे रखा है आपको। ये ब्लैकआउट मिलेगा आपको गियर नॉब, लेकिन सॉफ्ट बहुत है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये। इंजन की स्पेसिफिकेशन अगर बात की जाए, 1.2 लीटर का एडवांस के सीरीज इंजन मिलता है आपको, डुअल VTVT जिसे बोलते हैं, काफ़ी रिफाइंड है, 89 BHP पावर बनाता है और 113 Nm की टॉर्क रहने वाली है। 23 km/L का मैनुअल ट्रांसमिशन, 7 mi का क्लेम किया जाता है, और ये गाड़ी सक्षम है उतना एवरेज डिलीवर करने में भी। ग्लो बॉक्स डिसेंट है दोस्तों, कूलिंग वगैरह नहीं मिलती है आपको। जो IRVM है वो हाथ से ऊपर नीचे करना पड़ेगा आपको, इवन इसके ऊपर टॉगल भी नहीं मिलता है आपको। ये आपका डोर ओपनिंग लैंप है, जो मैनुअली भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, एक ही मिलता है यहाँ, यहाँ पर ये। वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है, सनवाइजर पे किसी भी साइड आपको बिल्कुल प्लेन मिलेंगे ये। तो यहाँ पर अपने जानने वाले का नाम लिख सकते हैं आप, जिसको पसंद करते हैं उसको याद रहेंगे, कभी भूलना चाहिए आप। तो इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं VXI के साथ कि वहाँ एक्स्ट्रा क्या मिलता है आपको। सबसे पहले जो डोर है, एक चीज़ तो फ्रंट डोर में आपको ये जो कुशनिंग है ये एक्सक्लूसिव है VXI में, LXI में नहीं मिल रही है, एक प्रीमियमनेस ऑफर करती है ये। सभी पावर विंडो कंट्रोल
अप एंड डाउन ऑटोमेटिक आपका ड्राइवर साइड वाला विंडो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है और सिर्फ यही एक लोता बटन ऐसा है जो बैकलाइट के साथ आता है, बाकी सभी किसी भी स्विच में आपको बैकलाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआर भी मिलते हैं, हालांकि फोल्डेबल नहीं मिलेंगे आपको। बॉटल होल्डर वगैरह यहाँ पर डस्टिंग के लिए क्लोथ रख सकते हैं आप। अब एक और बड़ा फर्क है दोस्तों, जो ड्राइवर सीट है वो हाइट के लिए एडजस्टेबल आपकी यहाँ पर, जो कि LXi में नहीं थी। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। जो हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल हाइट के लिए, जो कि LXi में नहीं थे। ये दोनों बटन एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं, ESP ऑफ करने वाले और हेडलाइट को लेवल करने वाले। और यहाँ पर सिर्फ एक टॉगल देखेंगे आप, क्योंकि बूट को एक्सेस करने के लिए बटन पीछे स्पेशल दे रखा है आपको। तो यहाँ पर सिर्फ फ्यूल कैप ओपन करने के लिए लीवर दिया गया है, बाकी नीचे दोनों पैडल एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं, LXi में भी और VXi में भी। अब आते हैं नेक्स्ट फर्क की तरफ। यहाँ मिलती है आपको रिमोट वाली चाबी। बिल्कुल सही सुना आपने, सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट सपोर्ट करता है VXi। इसलिए अगर स्विफ्ट की बात करूँ मैं, इसके लाइनअप में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वेरिएंट है दोस्तों VXi ही है, क्योंकि इसमें काम के फीचर सभी मिल जाते हैं आपको और वो पूरे तरीके से अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई भी करता है। लेकिन यदि थोड़े से ज़्यादा फीचर आपको आकर्षित करते हैं ना, तो एक ZXi वेरिएंट को जरूर देखें, वो भी बड़ा बेहतरीन है। इसलिए मैंने एक VXi का और ZXi का भी कंपेरिजन वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा दोस्तों, जरूर देखें। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी कौन सा वाला वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है दोनों में से। अब जो स्टेयरिंग व्हील आप देखेंगे, इस पर हल्का फुल्का डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं, क्रोम फिनिशिंग वगैरह की कुछ सिल्वर फिनिश वगैरह दे रखे हैं। साथ में इधर आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए स्विच दिए हैं, नीचे आपके टेलीफोनिक कंट्रोल वाले दिए हैं। अगर इसकी एडजस्टमेंट की बात करूँ तो ये भी टिल्ट सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। इसमें जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है, हालांकि सनलाइट थोड़ी ज़्यादा है शायद आप ना देख पा रहे हो, इसमें मिलता है आपको कैपेसिटी टच वाला, इसको या फैदर टच ही बोलते हैं मारुति भाषा में। ये बहुत बेहतरीन तरीके से इंटीग्रेट किया गया है। ये 2D का म्यूजिक सिस्टम है, सिर्फ ब्लूटूथ या टेलीफोन कंट्रोल को सपोर्ट करता है, टच स्क्रीन नहीं है ये, ना आपका एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। नीचे मैनुअल AC रहेंगे आपके, यहाँ एक्स्ट्रा बटन दिखेंगे आपको ऑक्स के लिए और USB पॉइंट के लिए। यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट आपको वहाँ भी मिल रहा था, लेकिन ये एक्स्ट्रा है जो VXi मिलेगा। जो ग्लोव बॉक्स एग्जैक्टली सेम है। ये जो सिक्योरिटी फीचर है ये आपको VXi मिलेगा, LXi में नहीं मिल रहा है, जिसको इंजन इमोबिलाइजर वाला फंक्शन बोलते हैं ना, या सिक्योरिटी अलार्म वाला टू बी प्रिसाइज दोस्तों, वो वाला आपका एक्सक्लूसिव है। ये VXi में मिलता है आपको, LXi में नहीं मिलेगा। ये हजार बटन की लाइट एग्जैक्टली सेम है। ये AC वेंट्स वगैरह हल्का फुल्का क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, ये एक्सक्लूसिव रहने वाला इस वेरियंट में। दो एयरबैग इसमें भी दो ही मिलते हैं आपको, वहाँ ही मिलते हैं। इसमें जो आपका गियर नॉब है, यहाँ पर पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा प्रिंट टच दिया गया है, जो कि LXi में नहीं दिया गया था, और यहाँ पर भी आसपास भी। तो 90,000 तो अभी तक तो पूरे तरीके जस्टिफाई लग रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे फीचर्स का फर्क है जो कि VXi मिल रहे हैं LXi में नहीं मिल रहे हैं। अगर IRVM की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर टॉगल मिलता है, जो कि आपका LXi में नहीं मिल रहा था। ये लाइट सेम रहने वाली है। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है VXi में, LXi में नहीं मिलेगा ये। और यहाँ पर टिकट होल्डर मिलता है आपको, जो कि LXi में नहीं मिल रहा है, VXi मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे मेरे फेवरेट चीज़ की, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखिए आप, बटरफ्लाई शेप का दोस्तों, कितना ज़बरदस्त है ये, और काफ़ी सारी जानकारी तो मिलती है। ये प्रिम भी बहुत फील होता है LXi के मुकाबले। बीच में MID है वाइट कलर की बैकलाइट के साथ, नीचे आप बटन दे रखा है, यहाँ पर इसको प्रेस करते जाएंगे तो जानकारी चेंज होती रहेंगी, जानकारी सेम है दोस्तों। रेंज वगैरह एवरेज वगैरह ये सेम वैसी मिलती है जो इसमें वैसी मिलती थी, लेकिन इसका डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर फील होता है, बड़ा है ये। लेफ्ट साइड में आपका टैकोमीटर है, इधर आपका स्पीडोमीटर रहेगा, काफ़ी अच्छा है। रेड कलर की एक रिंग सी ब्राइट अप हो जाती है इसमें, काफ़ी बेहतरीन फील होती है वो। तो मेन चेंजेस तो दोस्तों ये हैं, एक बार मैं समअप कर देता हूँ बाहर निकल के कि क्या क्या चेंजेस हैं जो ज़्यादा फर्क डालते हैं आपकी परचेजिंग के ऊपर। तो गाड़ी को दिखाता हूँ, बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले फ्रंट की अगर बात की जाए तो फ्रंट फेसिया एकदम से सेम है। सबसे पहला फर्क दिखाई देगा आपको, जो ORVM है VXi में आपको बॉडी कलर मिलते हैं और उसी के ऊपर टर्नडिकेटर मिलेगा, जो कि LXi में नहीं मिल रहा है। पीछे आपका जो बूट है उसको ओपन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है, जो पीछे से ऑपरेट कर सकते हैं VXi में। LXi में आपको ड्राइवर साइड आके ही उसको ओपन करना पड़ेगा। व्हील कवर मिलते हैं आपको VXi में, जो कि LXi में नहीं मिलेंगे। इंटीरियर की अगर बात की जाए आपको, सबसे पहले बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है LXi में, जो कि VXi में आपका टैकोमीटर अलग मिलेगा, स्पीडोमीटर अलग मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम मिलता है, स्टेयरिंग के कंट्रोल मिलते हैं VXi में, जो कि LXi में नहीं मिलते हैं। हाइट जो है ड्राइवर सीट की वो ऊपर नीचे कर सकते हैं आप VXi में, LXi में नहीं कर पाएंगे। आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं VXi में ऊपर नीचे होते हैं, जो कि LXi में नहीं होते हैं। ये कुछ एक बेसिक फीचर हैं जो VXi में मिल रहे हैं दोस्तों, LXi में नहीं मिल रहे हैं। यदि फिर भी आपको लगता है कोई चीज़ स्किप होगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तुरंत जवाब दिया जाएगा उसका। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।